अस्सलाम वालेकुम, एड्स में डॉक्टर आलिया अहद और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल आस्क आलिया अहद में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें। एक मेल व्यूअर का ये क्वेश्चन है कि मेरी बीवी को जिनसे ताल्लुकात पसंद नहीं है और जिस्मानी ताल्लुकात भी वो नापसंद करती हैं। मेरी बीवी को करीब आना, प्यार करना, जिस्म मिलाना, बोसों किनार करना, दखूल करना यानी जिनसी मामला करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं इससे दूर रहूं उसकी खुशी की खातिर तो क्या रिश्ता तो ख़त्म नहीं हो जाएगा? मेरी बीवी को औलाद की ख्वाहिश है, अगर मैं औलाद की नीयत से करीब जाऊं और औलाद होने के बाद ना जाऊं तो क्या रिश्ते पे कोई फ़र्क पड़ेगा? चले चलते हैं इसके जवाब की तरफ। मियाँ बीवी का इकट्ठा होना, मियाँ बीवी का रिश्ता कायम करना, निकाह का बंधन बनाना, ये इसलिए बनाया गया है कि हर इंसान के अंदर जिस्मी व जिस्मानी तकाजे, जिनसी व जिस्मानी तकाजे होते हैं जिनको हलाल तरीके से पूरा किया जाए। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ जिंसी अमल और जिस्मानी मामला नहीं रखेंगे तो इनके निकाह का मकसद फौत हो जाएगा। और जो भी क्या, कुछ अरसे के लिए बीवी के मिजाज को समझते हुए आप करीब ना जाएं, इससे रिश्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे औलाद हो जाए या ना हो जाए। लेकिन तवील अरसे तक, एक मुकम्मल टाइम तक मियाँ बीवी का एक दूसरे के करीब ना आना, दूर रहना, ये इंसानी फितरत के खिलाफ है। इससे फसादात का अंदेशा भी है। इसलिए बीवी को अज़दवाजी हुकूक की अहमियत बताकर उसे आमादा कीजिए ताकि आप दोनों एक पाक और इज्जत वाली ज़िंदगी गुजार सकें। मज़ीद मेल फीमेल इशूज़, मैरिड लाइफ के इशूज़ या फिर दीनी मसाइल के हल के लिए मेरे चैनल आस्क आलिया अहद पे अपने मसाइल कमेंट कीजिए। मैं वीडियो या कमेंट के थ्रू आपके सवाल के जवाब दूँगी। फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।